मीत बंधुओं की भाषा में अगर कहें तो मन जावे मैनू टेंसेस सिखा दे, मन जावे एक्टिव पैसिव करा दे, पंचुएशन सिखाई आवे, ग्रामर पढ़ाई आवे। नमस्कार, अडेविद के नए एपिसोड में मैं स्नेह लता थापा आज आपको लेकर आई हूँ एस चंद अपार्टमेंट्स में, जहाँ हम मिलेंगे अंग्रेजी व्याकरण के सलीम जावेद से, जी हाँ श्री रेन एवं श्री मार्टिन से। आइए। टू बी नॉट टू बी, बेल द बेल, रिंग द बेल, प्रेस द बेल। बेल तो यहाँ वर्ब नहीं है, प्रेस तो मैं बटन कर रही हूँ, बेल नहीं, रिंग द बेल सही लग रहा है। ग्रीटिंग्स ऑफ दिस वंडरफुल स्प्रिंग मॉर्निंग मिलेडी। हेलो गवर्नर, myself Lady Sneh Lata Thapa, thou art here to see Master Wren and Master Martin. Oui, I had taken thy message on hike messenger. I'm the butler, Lord Gerard Butler the 3rd, aka LGBT. Prithi kamatin. Prithi kamatin. विलंब के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं पीसी रेन, मैं पीसी रेन, को ऑथर ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। ऑफ कोर्स सर, वो आपको इतनी अच्छी हिंदी बोलते हुए इमेजिन नहीं किया था, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई सर। पर आपकी हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? वो अपना विशाल भारद्वाज है ना, उसके साथ मैकबेथ का मकबूल, ओथेलो का ओमकारा और हैमलेट का हैदर करते करते सीख गया। ये पांडु लोग के साथ मांडवली करने में भी बड़ी आसानी होती है। हाँ सर, पता है मैंने बैंगलोर में ना मलयालम इसीलिए सीखी थी। अच्छा, वेलकम वेलकम वेलकम, बैठिए ना बैठिए। सर मार्टिन सर नहीं आएंगे? उसका थोड़ा गला खराब है, वो इंटरव्यू नहीं कर पाएगा, उसकी वॉइस एक्टिव से पैसिव हो गई है। तो हम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है सर। तो आपका बचपन कैसा था? बचपन लाइक एनी एवरेज ब्रिटिश टॉम डिक हैरी हेनरी जेम्स जॉर्ज विलियम। सुबह उठते ही टी एंड बिस्किट्स, फिर दिन में स्पेलिंग और अल्फाबेट का रियाज, और शाम को कॉलोनी में थोड़ा फुटबॉल। कौन सी कॉलोनी में सर? सेंट्रल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया? नहीं नहीं, वहाँ तो बड़े लोग ओप्रेस करने के लिए जाते थे, हमारी तो ऐसी छोटी सी सेमी कॉलोनी थी। तो कब आपकी रुचि मतलब इंटरेस्ट फुटबॉल से इंग्लिश लैंग्वेज में आया? इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज कैपिटल ई, बोलो। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट कैसे आया सर? गुड। इट वॉज द समर ऑफ 1869। सिमिली का इस्तेमाल करके कहूँ तो इट वॉज लाइक लव एट फर्स्ट राइट। पहली बार लिखते ही कर्सिव राइटिंग के कर्व्स पे मेरा दिल आ गया था, और फिर मेरी फीलिंग्स कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कब हो गई पता ही नहीं चला। एंड द रेस्ट एज दे से इज ग्रामर। वाओ सर, आप तो बड़े रोमांटिक टाइप के हैं। तो सर इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भी आपको कभी किसी से प्यार हुआ है? किसी गोरी मैम से, ब्रिटिश डैम से? हुआ था कॉलेज में। क्या फिगर और स्पीच थी उसकी, दिन भर उसके पीछे सफिक्स की तरह लगा रहता था मैं। लेकिन फिर उसने कोई दूसरा प्रीफिक्स चुन लिया, तो मैंने भी डिसाइड किया जिंदगी भर सिंगुलर रहूंगा, प्लूरल होने का ख्वाब भी नहीं देखूंगा। सर आप पास्ट को लेकर ना बिल्कुल भी टेंस मत होइए, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? बेटा अपना तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब सेट है। यस्टरडे आई वेंट टू द बार, टुडे आई एम गोइंग टू द बार, Tomorrow you will be going to the bar. गलत, तुम जो बोल रही हो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन कल किसने देखा है? हमें चाहिए फ्यूचर इनडेफिनिट। Tomorrow I will go to the bar. पर सर कल ड्राई डे है। हाँ, इसीलिए तो फ्यूचर टेंस है। अरे एलजीबीटी, नाश्ता लाओ भाई, मेहमान आए हैं। मास्टर रेन, योर ब्रेकफास्ट इज हियर, योर फेवरेट सेमोलिना पुडिंग विद फ्राइड कार्डमम गार्निश्ड विद आलमंड्स एंड पिस्ताशियो। Won't you partake of this sumptuous feast? नहीं एलजीबीटी भैया, भाषा से ही पेट भर गया। अरे भाई खाओ, सूजी का हलवा है। ओह,
Let's eat, sir. Let's eat, sir. Comma bhi kha jao. Wren sir ko bhi kha jao. Don't you think you should be saying, let's eat, comma, sir? Of course, sir. Wo suji ka halwa dekha na, to kuch suja nahi. Shashi, ab kya hai? Hello. हाँ सर, वो अन्ना मेरे गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है. उसके लेने के लिए मैंने एक फाड़ू सा मैसेज कंपोज किया है. उसकी इंग्लिश थोड़ी न्यूयॉर्क वाली है. उसको प्लीज आप यॉर्कशायर में कन्वर्ट करके जल्द से जल्द भेज दें सर. हाँ ठीक है, ठीक है, करता हूँ. रिलैक्स. उसकी जरा इंग्लिश सुधारनी है. एग्जास्परेटिंग फरागो ऑफ डिस्टॉर्शंस मिसरिप्रेजेंटेशन एंड आउटराइट लाइज बीइंग ब्रॉडकास्ट बाय एन अनप्रिंसिपल्ड शोमैन masquerading as journalist. Sir, वैसे ये handsome Mr. Shashi Tharoor आपके student हैं? हाँ, अपना ही चेला है. I am very proud of him. लेकिन ये आजकल के बच्चों में ना वो बात नहीं रही. अरे social media पे grammar की noun verb करते रहते हैं पूरे time. Comma तो छोड़ो, स्पेस के लिए भी जगह नहीं छोड़ी है. एब्रीवेशंस के भी एब्रीवेशंस बनाने लगे हैं. अरे बेटा, वाउल्स के बिना मेरा बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं आता. सर उसके लिए तो आप गुनगुना पानी अजवाइन के साथ लिया कीजिए ना, पेट साफ रहता है उससे. मम्मी ने बताया था. तुम चिंता मत करो, हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट्स हैं जो इन हैशटैग्स के नीचे एस्टरिस्क लगाकर इनके टाइपो सुधारते रहते हैं. ये देखो. तो ये सब आपके स्टूडेंट्स हैं? सब हमारे टॉप स्टूडेंट्स हैं. इनका वीकली असाइनमेंट रहता है. कमेंट सेक्शन में घुस के सबके व्याकरण पर विशेष टिप्पणी करो. असाइनमेंट के नाम पे ये लोग हमें कितना परेशान करते हैं. उस दिन मेरे तुम्हारे पोस्ट पे भी कमेंट था. दिखाओ अपना फोन, दिखाओ, दिखाओ. सर एक्चुअली आई वाज थिंकिंग अब रैप करते हैं. लेट हो गया ना तो बस में भीड़ पड़ जाएगी. वो तो है. तुम एक काम करो, एमसीडी के मेयर को एक लेटर लिखो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ बसेस. लिखो लिखो, सेक्शन बी में आता था ना कॉम्पोजिशन. लिखो. अरे बेटा, वेयर आर योर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स? ऐसे तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हें घास नहीं डालेगा. लिखो. सर मैं कल घर से करके ले आऊं. घर से कैसे? क्लास वर्क है ये, होमवर्क नहीं है. Sir. चलो एक काम करते हैं, तुम्हें मैं मार्टिन की क्लास में लेके चलता हूँ. अरे तुम्हें वहीं कोचिंग में भर्ती करा देंगे, हाइक ग्रुप पे भी ऐड कर देंगे. 1000 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, स्टडी मटेरियल भी वहीं मिल जाएगा. एलजीबीटी? यस मास्टर रैन. इन्हें नॉट टू बी में लेके जाओ. प्लीज सर. सर आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लेट मी गो. आई एम गेटिंग हॉरिबली लेट सर. माई मदर विल गेट एक्सट्रीमली एंग्री. अपनी मम्मी को फोन लगाओ, जब तुम्हारी रिपोर्ट दूंगा ना उनको, शी विल बी एक्सट्रीमली मरोज. अरे तुमने रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पढ़ी भी है? सर यहाँ आने से पहले एक बार इंडेक्स देखा था. एलजीबीटी? नॉट टू बी. प्रदीप को मत. नाइन हजार 999 बार तुमने ये लाइन गलत बोली है. इंशाल्लाह द बॉयज प्लेड वेल. सर The boys played well तो सही इंग्लिश है ना? इंशाल्लाह तो गलत है ना? इंशाल्लाह means God be willing, future indefinite. We need present perfect. माशाल्लाह, by God's grace. मेरे प्यारे लफ्ज जिहादियों, कई सालों से सहती आ रही है हमारी कौम गाना वाना पतंग उड़ाना सब हराम है. इंटरनेट के कोने कोने में घुस जाओ, सोशल मीडिया पे पंक्चुएशन सही लगाएंगे, पंक्चुएशन सही लगाएंगे, हाइल ग्रामर, हाइल ग्रामर. एंड नाउ वी विल वेलकम अ न्यू सोल्जर टू अ ग्रामर नाजी आर्मी. लेट्स गिव हर अ वार्म वेलकम. I love you, ग्रामर. I love you, grammar. I love you, grammar. I love you, grammar. Hey guys,
तो ये था अ डे विद का नया एपिसोड। आप सब की तरह हम भी रेनर मार्टिन, जो ग्रामर की किताब है, उससे बहुत प्यार करते हैं और ग्रामर नाजी से बहुत डरते हैं। तो डाउनलोड कीजिए टीवीएफ प्ले ऐप और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। एंड ऑल्सो डाउनलोड द हाइक ऐप टू यूज इट्स कूल फीचर्स लाइक बिल्स प्लेट, हाइक वोट, एंड यू कैन ऐड 1000 पीपल टू अ ग्रुप। ऑल्सो लाइक टीवीएफ क्यूटिया पेज ऑन फेसबुक।